और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी मनाना हो तो पेड़ लगाने से बेहतर क्या हो सकता है। बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ, तो पेड़ अभियान बन गया है। अब जब इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन होना था, तब सहज ही हमारे विचार में इंदौर के दिमाग में भी ये बात आई कि क्यों ना जितने देशों के लोग आए उनके साथ एक एक पेड़ लगा दिया जाए, तो इंदौर में ये ग्लोबल गार्डन बन जाए। मैं इंदौर वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, नगर निगम को बहुत बधाई देता हूं। आज उन्होंने इस कल्पना को साकार किया। यहाँ हर देश जो आया हुआ उसके राष्ट्रध्वज लगे हुए हैं और अद्भुत वातावरण है। आज ये ग्लोबल गार्डन हमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की याद दिलाई गई। जो प्रवासी भारतीय मित्र आए हैं ये गार्डन देखेंगे तो हमेशा वो हमें याद आएंगे, उनकी स्मृतियां बनी रहेंगी। और आप भी इंदौर को याद रखोगे कि हमने एक पेड़ लगाया है, और अगली बार जब आओगे तो पेड़ देखने भी आओगे, गार्डन देखने भी आओगे और एक पेड़ और लगाओगे। सर ये व्यवस्था भी है, आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्यू आर कोड आपको वह पता चलेगा कि हमने पेड़ लगाया तो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका पेड़ सुरक्षित रहेगा, आपकी स्मृतियां सुरक्षित रहेगी, आपका योगदान सुरक्षित रहेगा। एक अद्भुत पहल जिसमें हमारे प्रवासी भारतीय मित्र पेड़ लगाने आए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो साथ ही सबसे पर पेड़ लगाने आए उन सब का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप रहेंगे, ग्लोबल गार्डन रहेगा, आपकी यादें रहेगी, इंदौर भी बढ़ेगा, प्रदेश भी बढ़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूँ कि हमारे दो पर्यावरण मित्रों को आपके कर कमलों से सम्मानित करने का खर्च करें। जनक पलटा जी, जिन्होंने पर्यावरण समृद्धता के